दोस्तों अभी मैंने अपना वाइट स्टूडियो खोला तो उसमें कमेंट और आप लोग जितना ऑडियंस है वो मेरे से मांग रही है, तो उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगी। मैं एक टीचर हूं और आप लोग ट्यूशन टीचर और ट्यूशन ब्लॉग भी मांगते हैं, तो ट्यूशन ब्लॉग के लिए आप लोग आए हैं, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया अदा कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ट्यूशन ब्लॉग मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बच्चों को पढ़ाना और मैंने DLED कर रखा है। गेस्ट टीचर के साथ साथ होम ट्यूशन टीचर भी हूँ मैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मैं अपने ज्ञान से, हम किसी को ज्ञान बांटते हैं तो कम नहीं होता है। मेरे पड़ोस में अड़ोस में इतने सारे हैं अशिक्षित लोग, वो सोचते हैं कि हम इसको शिक्षा दे देंगे तो हमारा ज्ञान चला जाएगा, इसलिए वो बताते नहीं है, ले जाते। मैंने अपनी शिक्षा से एक दो चार इतने YouTube चैनल खोले हैं और उनके सक्सेस भी हुए, लेकिन वो आज कतरा रहे हैं। वो कतरा रहे हैं कि कहीं ये हमसे ना मांग ले। मैंने एक यूट्यूबर के भी 30 सब्सक्राइबर है, उनका गूगल एडसेंस पे नहीं, गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, गूगल अकाउंट नंबर सहित सब कुछ मैंने लगवाया। आज मैं ये बोलती हूँ ना कि थोड़ा सा मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट वाला तो बहानेबाजी मिलती है, कुछ भी पूछते हैं तो बहानेबाजी। तो ऐसे लोग दुनिया में डले हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, अमर उमर बेल देखा होगा आपने कि जिस पेड़ पर अपने से आ जाती है थोड़ा सा बनकर और उस पेड़ का ही सर्वनाश कर देती। इसी प्रकार हमारे पड़ोस में कुछ लोग होते हैं कि हमसे सीखकर और उसके बाद ये सोचते हैं कि हम बन गए, शिष्य बनकर आता है और गुरु बनने की कोशिश करता है और कहते हैं इस गुरु को ही हम नष्ट कर दे। ऐसा नहीं होता है, देर होती है, अंधेर नहीं होती है भगवान के घर। भगवान से डरो ऐसे करने वाले, सतर्क हो जाओ, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, रियलिटी दूंगी। टीचर कोई भगवान नहीं होता। और एक बात और बताऊंगी, टीचर सिखाने सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, गलती सभी से होती है। हम जैसे कल्चर में रहते हैं उसी कल्चर के अकॉर्डिंग हमें बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं। आप तमिल से होंगे तो तमिल में पढ़ा रहे होंगे, आप अमेरिका से होंगे तो अमेरिका की भाषा में पढ़ा रहे होंगे, आप पाकिस्तान से होंगे तो पाकिस्तान की भाषा, आप हिंदू होंगे तो हिंदू की तरह पढ़ाएंगे, आप मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम की तरह पढ़ाएंगे। तो हमारी सरकार ने खुद कहा है कि आप प्राइमरी के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा, उसकी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। तो बस मैं यही कर रही हूँ, मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करती हूँ। मेरे पास सब लेवल के बच्चे आते हैं, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाती हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ाना है तो जरूर मेरे चैनल पर आ जाना, विजिट करना, मैं आप लोगों को बिल्कुल पढ़ा दूंगी। और जो भी बहन है जो हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ पाती है, यूट्यूब ग्रुप चैनल चैनल को ग्रो करना चाहती हैं, वो भी मेरे ग्रुप में जरूर जुड़ जाए, उन्हें भी मैं अच्छे से बता सकती हूँ। आप लोग ट्यूशन पनिशमेंट वीडियो ना मांगा करो, ट्यूशन पनिशमेंट वीडियो मैं यूट्यूब पर नहीं दिखाती हूँ। मैं जो भी ऐसा काम होता है, चाहे कौन सी ही पनिशमेंट हो, ईयर पनिशमेंट हो या ईयर पुलिंग हो या हार्ड हो या स्लिप हो या फेस हो, कुछ ही पनिशमेंट हो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब की कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ काम करना चाहती नहीं हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कानून को भंग करना चाहती हूँ। बस आप लोग सपोर्ट बनाए, थोड़ा सा लाइट चली, दोस्तों रात का टाइम है, मैं आप लोगों के लिए जब भी नींद खुलती है तभी वीडियो शूट करती हूँ, तो इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, इतनी आस लगाकर कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। फिलहाल आप लोगों को मैं पढ़ ही रही थी ऑनलाइन, और बस ऑनलाइन पढ़ने के बाद उसी टॉपिक को थोड़ा ऑफलाइन भी पढ़ दिया करो, चाहे मेरे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, मैं सभी को अनुभव बताती हूँ। हम अब अगर हम किताब पढ़ रहे हैं उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हमें ऑनलाइन देख लेना चाहिए, उसके बाद जो भी आप लोगों को लगे कि नहीं तो थोड़ा सा उसी टॉपिक को ऑफलाइन देख लिया करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी, आप
छोटी कक्षा में तो अगली कक्षा में जरूर जा पाओगी। उसके लिए मैं सीक्रेट बताती रहती हूँ, कभी कभी ध्यान आता तो मैं अपने बच्चों को, प्लान वाले बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही अपना कैमरा ऑन करके रख देती हूँ और उस अनुभव को तुरंत लाइव बताती हूँ। तो ये मानिए कि ये लाइव ट्यूशन टीचर है और ट्यूशन टीचर जैसी है रियलिटी दिखाती है। आप लोग प्यार दीजिए, अधिकतर लोगों को सपोर्ट करिए, शेयर करिए।